हेलो, मैं शिवानी अग्रे और हम श्रीमती इंद्रानी बालन साइंस एक्टिविटी सेंटर से हैं। और आज हम आपके लिए कुछ केमिस्ट्री की बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज आपके लिए लेकर आए हैं, जो आप घर पे कर सकते हैं और उसके मॉडल्स भी बना सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जीवन में आग का अहम महत्व है। रोजाना जिंदगी में खाना पकाने से लेकर बड़ी मशीनों को चलाने के लिए आग की जरूरत पड़ती है, पर यही आग हमेशा फायदेमंद ही नहीं होती। ये आग हमारे लिए धोखादायक भी हो सकती है। जैसे कि आपको पता है कि अनजाने में लगी हुई आग को बुझाने के लिए कई घरों में, ऑफिसों में फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल होता है। पर फायर एक्सटिंग्विशर के खोज के पहले हम क्या इस्तेमाल करते थे? तो हम सैंड, पानी यूज करते थे आग बुझाने के लिए। तो फायर एक्सटिंग्विशर में होता क्या है एग्जैक्टली? तो फायर एक्सटिंग्विशर में CO2 गैस होता है जो आग को बुझाता है। तो ये CO2 गैस बनता कैसे है, तो उसके लिए हम कुछ रिएक्शन देखेंगे जिसमें CO2 गैस प्रोड्यूस होता है। पहले हम एक प्लास्टिक बॉटल में विनेगर लेंगे और एक बलून में हम बेकिंग सोडा लेंगे और ये इस बलून को हम बॉटल के ऊपर लगा देंगे। बलून में जो बेकिंग सोडा है वो जब विनेगर में मिक्स होता है तो एक वहाँ पे एक रिएक्शन होता है। तो उस रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स है वो है पानी है, सोडियम एसीटेट है और CO2 गैस है। तो यही से हमें CO2 गैस मिलता है। जब ये CO2 गैस बलून में इकट्ठा होता है तो बलून फूलने लगता है, तो हमें ये इस तरह से CO2 गैस मिलता है। तो यही CO2 गैस का इस्तेमाल करके हम कुछ छोटा सा मिनी फायर एक्सटिंग्विशर बना सकते हैं क्या? तो यस, हम बना सकते हैं। सो लेट्स मेक मिनी फायर एक्सटिंग्विशर। तो उसके लिए हमें कुछ किचन में इस्तेमाल होने वाली चीजों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे बॉटल, और उस बॉटल की कैप को होल करके उसमें ट्यूब अटैच किया है और उसे ग्लू से चिपका दिया है। आगे बेकिंग सोडा, विनेगर, स्मॉल बॉटल, मैच बॉक्स और कैंडल, इनका इस्तेमाल करेंगे। पहले हम स्मॉल बॉटल को एक धागे से बांध देंगे और उसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। उसके बाद बड़ी बॉटल में 40 ml विनेगर लेंगे और छोटी बॉटल को बड़ी बॉटल में धागे की सहायता से टांग देंगे और बॉटल को कैप से बंद कर देंगे। उसके बाद हम बॉटल को शेक करेंगे, तब छोटी बॉटल में जो बेकिंग सोडा है वो विनेगर के साथ रिएक्ट होना स्टार्ट करेगा और उससे 3 प्रोडक्ट बनते हैं। तो उसमें जो CO2 गैस है वो पाइप से बाहर आने की कोशिश करता है। जब यही पाइप हम जलती हुई कैंडल के सामने रखेंगे तब कैंडल बुझती है। तो इस तरह हम छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर हमारे किचन में भी बना के रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसका यूज कर सकते हैं।